तो जनाब टाइम हो रहा है 7:43 और सुहेल भी आ गए हैं। तो इस वक्त हम निकल रहे हैं फैज़ाबाद से और आज का जो हमारा सीन है वो हम जा रहे हैं पाइपलाइन ट्रैक पे। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। Today is 10th of March and it's a sunny, bright sunny day and it's a Sunday, yes. And we are going to pipeline track, yes, we means Suhail and I. Look at the beautiful mosque with a beautiful view. Okay, so now Nathia Gali 59 and Murray 32 from here. हमने नथिया गली से थोड़ा सा पहले ढूंगा गली जाना है, वहाँ से हम पाइपलाइन ट्रैक पे ट्रैकिंग करेंगे। होपफुली कि हमें स्नो मिलेगी। इट्स अ गुड ब्राइट सनी डे, ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी भी हवा लग रही है, बट वी आर एंजॉयिंग इट बिकॉज इट्स स्प्रिंग नाउ। सो फार वी हैव डन 38 किलोमीटर्स, मतलब मेरे घर से यहाँ तक, और मरी का जो डिस्टेंस है वो कम है, लेकिन मरी से आगे का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और उस पर टाइम भी ज़्यादा लगता है बिकॉज ऑफ दी माउंटेंस। अप यू आर गोइंग अप हिल्स तो आपकी स्पीड बहुत स्लो होती है और वैसे भी आपको केयरफुली राइड करना होता है, शॉर्ट टर्न्स आते हैं। और मरी 22 घोड़ा गली 10। तो जनाब वापसी पे मे बी कि हम घोड़ा गली वाली साइड से पीसुहावा वाला ट्रैक पकड़ लें और हम पीसुहावा से जो है शाम बाद जाएँ। इट डिपेंड्स अपॉन दी टाइम, यस एग्जैक्टली टाइम कि क्या टाइम हो रहा है, क्योंकि सुहेल को थोड़ी सी जल्दी है, एक दोस्त के काम है पेंडिंग तो उसने वो भी करने हैं, तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम जल्दी से जल्दी वापस आ जाएँ। लेकिन अगर टाइम हुआ तो वापसी भी हम उसी ट्रैक से जाएंगे, क्योंकि बार बार एक ही रोड पे चल के जो है क्रॉस मज़ा नहीं आता, एक ही रोड पे आप बार बार एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं, तो जाते हुए हम इधर से जाएं फिर वापस भी ऐसे ही आएँ। तो अगर वहाँ से नहीं जा सके तो हम जो है एक्सप्रेस वे से ही वापस आएँगे ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए। यहाँ पर ठंड है और जो है उंगलियाँ जो फिंगर्स हैं वो ठंडी होना शुरू हो गई हैं, ग्लव्स के अंदर से ही फिंगर्स जो है वो ठंडी होना शुरू हो गई, पता नहीं वापसी पे हमारे साथ होगा क्या। तो जनाब वो रहा रिवर स्ट्रीट फैमिली रेस्टोरेंट, तो हम वहाँ रुक रहे हैं अब ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको शायद कैमरा तो नहीं दिखा पा रहा लेकिन बहुत अच्छा व्यू है। ऑल द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, इस सामने वाले के जो पीछे माउंटेन्स हैं। तो वी आर स्टॉपिंग हेयर। जिगर क्या कुछ है? नाश्ते में पराठा, अंडा फ्राई, ऑमलेट, अंडा चना, सादा चना, दाल मार। ब्रेकफास्ट डन और अब निकल रहे आगे के लिए। सीन चेक करो, सीन रोड भी काफी स्लिपरी है, इट्स टू डेंजरस, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग स्लो। एंड नाउ वी आर एंटरिंग इनटू, वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो जनाब पंजाब प्रोविंस खत्म, केपी स्टार्ट हो गया यहाँ से, और जो स्नो है वो भी यहाँ पे अब ज़्यादा है। रोड सारा गीला हुआ है क्योंकि स्नो मेल्ट हो रही है, तो सारा पानी जो है रोड पे आ रहा है एंड इट्स टू डेंजरस। सवार गली, वी आर एट द हाइट ऑफ 7,400 फीट। ओह माय गॉड, हर चीज़ जो है वो बर्फ़ से ढकी हुई है,
माय गॉड, लुक एट द हाइट, मोर देन 2.5 feet और 3 feet स्नो. It's snowy everywhere. थोड़ा सा पुश करना यार, एक बार पकड़ ले. पीछे से जोर लगाओ ना. हाँ, पीछे से लेके आना थोड़ा सा. पीछे नहीं नहीं, दिखा दो यार. अच्छा यार, मैं स्लिप हो. थोड़ा सा उधर तक दिखा दो. चलो इस तरफ लो. It's so slippery, really. Thank you, yaar. नहीं, ये तो वैसे लग ही रहा है. सिचुएशन इज बैड. तो जनाब, प्लान कुछ ये है कि हम अब यहाँ पे पार्क कर रहे हैं और वी विल वॉक बाय फुट जितना जा सके. सो तो जनाब, ये हालत है यहाँ के लोगों की, पार्क नहीं करने दे रहे. गाड़ियों से ज़्यादा पैसे लेके तो पार्क करेंगे, हमें नहीं करने दे रहे. वी आर जस्ट फाइंडिंग द पार्किंग. पार्किंग नहीं मिल रही यहाँ पे, तो अभी हम यहाँ पे पार्क करने लगे हैं और हम फिर आगे ऊपर खुद जाएंगे. तो चलो पार्क करते हैं, फिर सी यू ऑन द वे. इनको क्या बोलते हैं? ब्रेक शू. ब्रेक शू दे दूँ आपको? नहीं नहीं, वो लगा दे रहे हैं ना बंदा. जो इतना भी बहुत है. नहीं नहीं, सॉक्स चढ़ा रहे हैं, चेक कर लो एक पे. नहीं नहीं, ठीक है. आगे करें, दूसरा दूसरा आगे करें. तो ये ब्रेक शूज़ हम लगवा रहे हैं क्योंकि शूज़ जो हैं बहुत स्लिपरी हैं, मेरे भी और सुहेल के भी. ऊपर से कर, ब्रेक शूज़ लगवा रहा है तू. अब ये मेरे ब्रेक शूज़ लग रहे हैं. उस दिन आप फाइनली बाइक को उधर पीछे छोड़ा और ब्रेक शूज़ हमने अपने लगाए और हम ब्रेक शूज़ की मदद से अब हम चल रहे हैं. लुक एट द सीन, एवरीवेयर इट्स ऑल स्नो. आगे रास्ता बंद है और हमने अब यहाँ से आगे जाना है वहाँ एंड तक. तो चलो क्रॉस करते हैं. वो बस आप पीछे देख रहे हो, वो कल की यहाँ पे खड़ी है और अभी स्नो में बिल्कुल वो फुली स्टक हो गई है. जब तक स्नो ब्लॉकेट हटता नहीं है तो वो लोग अब वापस नहीं जा सकते. सी, तो जनाब अभी बहुत तेज़ धूप है और यहाँ पे जो स्नो है वो सॉफ्ट वाली है, नो स्लिपरी. मज़ा आ रहा है चलते हुए. सी, हर तरफ ये देखें, एवरीथिंग इज कवर्ड विद स्नो. देखो, सो दिस इज प्राइम हाउस, खेरा गली. यस, वी आर एट खेरा गली एंड दिस इज स्ट्रीट 1. सो मे बी आर्मी का कुछ हो. तो लुक एट द व्यू, हर तरफ जो है बर्फ ही बर्फ है. सो दिस इज एन अमेजिंग डे. सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है, थोड़ा सा सुन ले. इधर करीब माइक किधर लगा हुआ है? और तम रंगीला ऐसा देश है मेरा. फिर आगे बस मौसम रंगीला तो नहीं है, एवरीथिंग इज वाइट. तो रंग किधर से आया भाई? वाइट इज नॉट अ कलर बाय द वे. सुहेल जाऊँ आगे, यहाँ पे बैठता हूँ पिक्चर लेना. बहुत ही फजूल आई है, इंतहा किस्म की.
ये देख ले, देख ले फिर ना कहीं। ठीक है देख ली, इतना वाइट है सब कुछ के आंखें ही बंदा नहीं खोल सकता। आई कॉन्ट ओपन माई आईज। तो पिक्चर क्या लेंगे यार, वॉट इफ आई जम्प, सी व्हाट हैपेंस। टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग पे लगा दिया और अभी थोड़ा सा बर्फ के साथ खेलते हैं यार, बच्चे से बच्चे खेलते हैं, सोहेल ने खेलना है। तो अभी नीचे जा रहे हैं उस ग्राउंड पे जो है हम खेलेंगे। हमने खूब इंजॉय कर लिया यहाँ पे और अभी हम वापसी का सोच रहे हैं, और वापसी का जो रूट है वो हम घोड़ा गली से होते हुए पीर सुहावा से वापस इस्लामाबाद निकलेंगे। तो एक मिनट, आई एम रिकॉर्डिंग। तो अभी मैं अपने जो ब्रेक शूज़ हैं उनको सही कर लूँ क्योंकि वो सारी सॉक्स जो उतर गई हैं। तो वैसे चीज़ मज़े की थी यार, कोई स्लिपरी फील नहीं हुआ। प्रीवेश के बाइक के टायर्स के लिए कुछ रोप वगैरह ले गए होते तो हम थोड़ा और ऊपर जा सकते थे। वी कुड नॉट मेक अप टू पाइपलाइन ट्रैक बट स्टिल वी एंजॉयड अ लॉट। सो इट्स मच बेटर, काफ़ी जो है ना हाफ से ज़्यादा शू पे चढ़ा दिए तो सही हो गया। अब यहाँ से वापस निकल रहे हैं, रास्ते में जाते हुए कुछ पिक्चर्स लेंगे एंड सो दैट्स इट। बाइक्स पे बैठेंगे और चले फिर मिलते हैं बाइक पे, सी यू। जनाब अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं वापसी के लिए, एवरीथिंग इज सेट। सो लाइट इज ऑन एंड लेट्स गो। थैंक यू यार। लुक एट दिस कार, इट्स बेरीड इन स्नो।